गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर टू का सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, उसको कैसे बनाते हैं, ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ABX कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016। यहाँ देखिए, पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस दिया है, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट का आइटम हुआ, फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस रेंट ऑफिस ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद आइटम है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑफिस ओवरहेड में। मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन ऑफिस ओवरहेड, जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड, जनरल ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस ओवरहेड, जनरल सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग ओवरहेड। तो कॉस्ट शीट में तीन ओवरहेड होता है, फैक्ट्री ऑफिस और सेलिंग। अगर ऑफिस नाम है तो ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग नाम है तो सेलिंग ओवरहेड, फैक्ट्री नाम है तो फैक्ट्री ओवरहेड। इसके अलावा बिना नाम वाला आइटम को पहचानेंगे कि किस ओवरहेड के अंडर में आएगा। यहाँ देखिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेल्समैन के लिए होता है सेलिंग ओवरहेड, ऑफिस सैलरी ऑफिस ओवरहेड, कैरेज आउटवर्ड सेल्स के ऊपर होता है सेलिंग ओवरहेड, एडवर्टीजमेंट सेल्स के लिए होता है सेलिंग ओवरहेड, लास्ट में देखिए सेल्स दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ तो सेल्स लिख के प्रॉफिट निकाल लेंगे। देखिए यहाँ बोला है प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, नेट प्रॉफिट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, वर्क कॉस्ट आएगा, वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, और यहाँ सेल दिया हुआ है, डिफरेंस निकालेंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। कॉस्ट शीट का पहला आइटम होता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट है 70,000। दूसरा आइटम होता है डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज है 75,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 15,000, 15,000। इसको ऐड कर देंगे 1,60,000। इसी को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, प्राइम कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद ओवरहेड आता है, पहला ओवरहेड आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कहने का मतलब फैक्ट्री में एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो भी एक्सपेंस इनकर किया जाता है वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। तो इनडायरेक्ट वेजेज 10,000। एक एक आइटम पहचानना पड़ेगा। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, सिर्फ रेंट एंड रेट्स लिख देते हैं। रेंट एंड रेट्स 5,000। इनडायरेक्ट मटेरियल्स, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में ही आता है। इनडायरेक्ट मटेरियल्स 500। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 1,500। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस 5,700। जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस 5,700। ये हो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट वेजेज, रेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, डेप्रिसिएशन और जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस। इसको ऐड कर देते हैं 182,700, और इसी का नाम होता है वर्क कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करने से आंसर आ जाता है वर्क कॉस्ट।
इसके बाद आएगा एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब जो एक्सपेंस बचा हुआ है उसमें से हमको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पहचानना होगा। जो एक्सपेंस ऑफिस में हुआ ऑफिस ओवरहेड के लिए आएगा, जैसे रेंट एंड रेट्स है, ऑफिस का रेंट एंड रेट्स है, ऑफिस का रेंट एंड रेट्स आपका 500 है। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आपका 100 रुपीज है। मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन है, MD रेमुनरेशन ऑफिस ओवरहेड में आता है, MD रेमुनरेशन का अमाउंट है 12,000। जनरल ऑफिस एक्सपेंस 1,000 रुपया है, जनरल ऑफिस एक्सपेंस 1,000 रुपया है। और एक आइटम है ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज का 4,500 है, ऑफिस सैलरीज 4,500 है। ये हो गया आपका 18,100, ऐड कर देते हैं 200,800, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और एक ओवरहेड आएगा ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो एक्सपेंस बचा है अगर सेल से रिलेटेड है तो वो सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा। वैसा आइटम दिख रहा है आपको जनरल सेलिंग एक्सपेंस, जनरल सेलिंग एक्सपेंस वो 1,000 रुपया है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1,100 है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेल्समैन लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1,100 है। कैरेज आउटवार्ड 1,000 रुपया है, कैरेज आउटवार्ड जब गुड्स बेचेंगे तो डिलीवरी खर्चा 1,000 रुपया है। एडवर्टीजमेंट 2,000 है, एडवर्टीजमेंट 2,000, ऐड कर देते हैं 5,100, ऊपर से ऐड कर देते हैं 205,100, इसी का नाम होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड ऐड कर देने से जो आता है वो कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगा। अब सवाल ये है, यहां लाते हैं ऐड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, अगर सेल्स दिया हुआ है तो प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स का अमाउंट है 2,50,000, 205 का स्टॉक है, कॉस्ट है 2,50,000 में सेल किया गया, तो यहां जो बैलेंस आया दिस इज आवर प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ये आपके सामने कॉस्ट शीट बन गया, इसका फॉर्मेट ध्यान रखिए। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे प्राइम कॉस्ट आएगा। 3 ओवरहेड होता है, प्राइम कॉस्ट में पहले फैक्ट्री ओवरहेड जोड़िए वर्क कॉस्ट आएगा, वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़िए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़िए कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, सेल्स दिया हुआ है बैलेंस कर दीजिए प्रॉफिट आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ये आपके सामने एक दूसरा प्रॉब्लम रख दिए, यहां से देखिए बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग क्लियरली ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जितना भी कॉस्ट में खर्चा होता है सबका एलिमेंट को आपको कॉस्ट शीट में दिखाना है, एक स्टेटमेंट में दिखाना है। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये चारों रॉ मटेरियल कंज्यूम का आइटम है। थोड़ा सा आगे देखिए एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, ये भी रॉ मटेरियल कंज्यूम का आइटम है। यहां देखिए कैरेज ऑन मटेरियल परचेज, ये भी मटेरियल कंज्यूम का आइटम है। तो मटेरियल कंज्यूम में आइटम बेसी है, 6 आइटम है, 4 सीरियली है ओपनिंग परचेज रिटर्न और क्लोजिंग, यहां कैरेज है और लास्ट में एबनॉर्मल लॉस है। वेजेज ये हो गया डायरेक्ट वेजेज और ये हो गया
फैक्ट्री ओवरहेड दैट इज नॉन प्रोडक्टिव वर्कमैन को जो वेजेस दिए फैक्ट्री का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। सैलरी हो गया, ऑफिस ओवरहेड, ये कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हुआ। रेंट वर्क्स का बोला है, वर्क्स बोलने से फैक्ट्री ओवरहेड, डेप्रिसिएशन मशीन का है फैक्ट्री ओवरहेड, मेंटेनेंस भी मशीन का है फैक्ट्री ओवरहेड। स्टेशनरी ऑफिस बोल दिया है, ऑफिस ओवरहेड, क्लियर। चार्जेबल एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का आइटम है, क्लियर है। एडवर्टीजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। ये छोटा सा आइटम है, एक कॉस्ट शीट बनाना है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का आइटम भी बेसी दिया हुआ था, लिखते हैं उसको। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट था 5 लाख। इसमें दो चीज ऐड होगा आपका परचेज, ऐड होगा कैरेज ऑन परचेज। परचेज आपका था 14 लाख, कैरेज ऑन परचेज था आपका, कैरेज ऑन परचेज 10,000। इसको ऐड करेंगे 19,10। लेस में भी तीन आइटम था, परचेज रिटर्न, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल बोल के दिया था, परचेज रिटर्न का आपका अमाउंट है 40,000। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 376,000। और एक था एबनॉर्मल लॉस का था 24,000। तो 19,10 माइनस करके आया 1470। ये हो गया रॉ मेटेरियल कंज्यूम। फिर से आप देख लो, ओपनिंग स्टॉक लाए, ऐड परचेज, ऐड कैरेज, और लेस में देखिए तीन आइटम लाए, परचेज रिटर्न लाए, क्लोजिंग स्टॉक लाए, और साथ में एबनॉर्मल लॉस लाए। अब वेजेज ले आते हैं, डायरेक्ट वेजेज, प्रोडक्टिव लेबर को जो वेजेज दिया गया था उसी को बोलते हैं डायरेक्ट वेजेज। अमाउंट था 3,60,000। और एक आइटम आएगा लास्ट की तरफ था, चार्जेबल एक्सपेंसेस का अमाउंट था 16,000। अब इसको प्लस कर देंगे, आंसर विल बी प्राइम कॉस्ट, प्लस करके आया 1846। इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, ओके। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट पहुंचेंगे। ले आते हैं ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स को पहचानना पड़ेगा आपको। फैक्ट्री ओवरहेड में पहले वो इनडायरेक्ट वेजेज ले आते हैं जो नॉन प्रोडक्टिव वर्कर को दिया गया था, वो इनडायरेक्ट वेजेज आ जाएगा। इनडायरेक्ट वेजेज था आपका 40,000। इनडायरेक्ट वेजेज के बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस था 50,000। रेंट एंड टैक्सेस था 50,000, क्लियर है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस को डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 28,000 था। रिपेयर भी इसी का था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसी मशीनरी का था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका 12,000 था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 12,000। और आइटम खोजना होगा, और कोई आइटम नहीं था। ये हो गया आपका 1,30,000। इसको प्लस कर देंगे 1976, इसका नाम हो जाएगा आपको वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड का काम समाप्त हो गया। अब इसके बाद आएगा ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड।
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब हो गया ऑफिस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो, ऑफिस से रिलेटेड सैलरी था 1,00,000 रुपया, सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ को सैलरी दिया गया 1,00,000 रुपीज। इसके अलावा ऑफिस स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंस था 30,000, ऑफिस स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंस 30,000। और देखते हैं कोई आइटम ऑफिस से रिलेटेड नहीं है इसको बाहर करेंगे 1,30,000, रिजल्ट विल बी 06 21 21 06 000, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और एक ओवरहेड आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आएगा एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐसा एक्सपेंस जो सेल्स से रिलेटेड हो उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में लाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लाइक बचा हुआ कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड था 30,000, कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड इसका अमाउंट था 30,000। और आइटम देखते हैं लास्ट में एक आइटम था एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन का अमाउंट था आपका 24,000, बाहर जाएगा 54,000, इसको प्लस करेंगे 2160, दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ सेल, या इसी को टोटल कॉस्ट बोलते हैं। सेल होने से प्रॉफिट कैलकुलेट होगा या प्रॉफिट का परसेंटेज देने से सेल होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहीं क्लोज कर देंगे। ठीक है, तब आप देखिए एक बार कैसे इसको बनाया गया। सबसे पहले कॉस्ट शीट में आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम लाए ओपनिंग परचेज कैरेज प्लस कर दिए, उसमें से परचेज रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल लॉस माइनस किए मटेरियल कंज्यूम आ गया। प्राइम कॉस्ट का और दो आइटम होता है डायरेक्ट वेजेज चार्जेबल एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट आया। तीन ओवरहेड सीरियली ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे वर्क कॉस्ट आएगा, ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, सेलिंग ओवरहेड ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट आएगा। सेल्स रहने से प्रॉफिट आता, अदरवाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखिए, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।